दीपावली पर आप दीपक लगाएंगे, इसके अलावा विभिन्न अवसरों पर भी दीपक प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दीपक की लौ किस दिशा में रखें जिससे कि अपार धन संपदा आपके जीवन में आए और आपका ध्येय और उद्देश्य पूरा हो। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ उमाश्री, आप सबकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियाँ दे मित्रों, और हमेशा खुशहाल और आबाद रखे। मेरे चैनल पे आप अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइए। अभी मैंने दिवाली ऑफर दे रखा है, 1500 में आप दो सवाल पूछ सकते हैं। आप जो भी बात पूछते हैं पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाती है, तो बिना चिंता फिक्र के तुरंत संपर्क कर लीजिए और अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भेजिए। एक छोटी सी सलाह आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। नौसिखियों से परामर्श मत लीजिए मित्रों, जो अनुभवी हैं उनसे परामर्श लीजिए। आपकी इस बहन को 23-24 साल का अच्छा खासा अनुभव है, तो बिना देरी के संपर्क करिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं दीपक की लौ के बारे में, जो माला माल बनाने वाली है। तो दिवाली के दिन जो बड़ा दीपक लगाएंगे उसमें भी इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा जो छोटे छोटे दीपक हैं उनका भी ध्यान रखें। अब आप कहेंगे कि हमारा मकान इस मुखी है उस मुखी है, तो इसका रास्ता आप निकालिए और कम से कम 7 दीपक जो दिशा मैं शुभ बता रही हूँ, अच्छी बता रही हूँ, उस तरफ जरूर लगा दीजिए। अन्य दीपकों का मुख फिर किसी भी तरफ रखें तो कोई दोष नहीं लगेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि दीपक को किस तरफ रखें जिससे कि पैसा ही पैसा आए, धन ही धन बरसे। दीपक की लौ का मतलब होता है दीपक का मुख किस तरफ होना, मतलब जो लौ प्रज्वलित हो रही है उसका जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, यहाँ उससे तात्पर्य है। तो अगर साउथ की तरफ दीपक का मुख किया जाता है तो ऐसा बताया गया है कि पैसे का बंटाधार होता है और पैसे का जबरदस्त नुकसान होता है। तो आपके जो दीपक की लौ है उसको भूल कर भी साउथ दिशा की तरफ इंडिकेट करती हुई ना लगाएं। साउथ की तरफ दीपक लगाना तो अच्छा होता है, लेकिन जो दीपक की बत्ती का मुख होता है या दीपक की जो लौ है वो अगर दक्षिण की तरफ जाती है तो इसे काफ़ी गलत और मनहूस माना जाता है, तो इससे आप बचिए। जो व्यक्ति बहुत टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, जिनके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच वाले लोग रहते हैं, उनको भूल कर भी पश्चिम दिशा की तरफ मुख करता हुआ दीपक नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि इस तरफ दीपक का मुख रहने से घर में कई तरह के आर्थिक संकट आते हैं और दुख और विनाश होता है, तो इससे आपको बचना है। दीपक की जो लौ होती है या उसका जो मुख होता है पूरब दिशा की तरफ अगर कोई मनुष्य रखता है तो ये काफ़ी शुभ माना गया है, और ऐसा करने से एज बढ़ती है, एज अच्छी होती है, उम्र बढ़ती है, तो इस तरफ मुख रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। अब आपको मैं बताती हूँ उत्तर दिशा के बारे में। दीपक की लौ, दीपक का जो मुख है, यदि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके रखा जाता है, मतलब दीपक की लौ उस तरफ जाते हुए दिखनी चाहिए उत्तर दिशा की तरफ, तो बहुत ज़्यादा पैसा आता है और ये बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी गई है। उत्तर दिशा में कुबेर भगवान का स्थान माना गया है, और ऐसा माना गया है कि अगर आप उस तरफ दीपक का मुख करके लगाते हैं या दीपक की लौ आपकी लपट उस तरफ जाती है, दीपक की सावधानी पूर्वक लगाना है आपको, उस तरफ जाती है, तो ऐसा करने से आपके घर में रुका हुआ पैसा आता है, घर के सदस्य कमाने की ओर उन्मुख होते हैं, बोझिल मन से कोई पैसा नहीं कमाता, उल्लास उमंग और उत्सव का माहौल घर में होता है और अर्थ और अपार पैसा आता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा।